उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में जाम के हालात लगातार बने हुए हैं, जिससे यात्री रात भर परेशान नजर आए। वहीं सुबह से हर्षिल गंगोरी में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जाम की वजह से यात्री बेहद परेशान दिखाई दिए। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों ने प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए। बीते रोज भी यात्री जाम से परेशान रहे। हालांकि प्रशासन जल्द व्यवस्था को ठीक करने का दावा करता रहा, लेकिन जाम से यात्रियों को फिलहाल निजात नहीं मिल पा रही है, जो प्रशासन की तैयारी और कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। तो काफी समस्या लोगों को आ रही है, रात भर लोग परेशान हुए जाम की वजह से भी, और भूख प्यास भी लोगों को सता रही है। प्रशासन का रवैया लचर बताया जा रहा है यात्रियों की ओर से। वो बोल रहे जो करने का है पूरा जिले में सिर्फ लोकल गाड़ी का जाते हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अभी भी नहीं आते, परेशान हो रहे हैं। नहीं थे गाड़ी में रुक रहे, कौन सी ओवर प्राइस है? बच्चे हमारे साथ में है, रुक रहे 50-50 किलोमीटर पे बोलते होटल ले लो, कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पे ना पूरा स्कैम चल रहा है, स्कैम। 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, यात्रा कर रहे हैं। इनका नाकाबंदी है ना हर होटल के पास ही है, और आपको 500 गाड़ी का भी है ना होटल में आपको जगह मिलेगी, और ऐसी जगह लोगों का नाकाबंदी आगे पूरा खाली है। पुलिस बोले जो करने करो, एक एसीपी को फोन किया है, 1 घंटा हो गया अभी तक आई नहीं। तो गंगोत्री हाईवे पर कई घंटे तक जाम लगा रहा, रात भर लोग परेशान होते रहे। भूख प्यास की वजह से कई यात्री बेहाल हो गए हैं, परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। और लोगों का ये कहना है कि प्रशासन का रवैया लचर है, प्रशासन गंभीरता से इस चीज़ को नहीं ले रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। ये लोगों का कहना है जो कि आपने अभी भी सुना। चारों धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी तक 2,76,000 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में अभी तक सबसे ज्यादा 1,26,000 लोग पहुंचे। बद्रीनाथ में भी अभी तक 39,000 यात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए, जबकि गंगोत्री में अभी भी 51,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। यमुनोत्री में अभी तक 59,000 भक्तों ने माँ यमुना का आशीर्वाद लिया है। तो गंगोत्री में अभी तक 51,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि इस बार बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु चार धाम का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही भीड़ ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि राज्य में यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाया जाए। महाराज ने यह भी कहा कि उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी प्राधिकरण का सुझाव दिया है और कहा है प्राधिकरण चारधाम कांवड़ आदि कैलाश यात्रा के साथ साथ सभी यात्राओं को मैनेज करेगा। मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एक प्राधिकरण बनाइए यात्रा का, वो बहुत आवश्यक है। यूपी के अंदर बनाया गया है, हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो, हमारी नीलकंठ की यात्रा हो, कुंजापुरी की यात्रा हो, चारधाम की यात्रा हो, इसके लिए एक प्राधिकरण जो हो इसको पूरी तरीके से संचालित करे तो बड़ा उत्तम होगा। सारी यात्राओं को मैनेज, सारी यात्राओं को, टोटल यात्राएं जितनी भी हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा है, इन सबको मैनेज करे, क्योंकि उसका अनुभव भी होगा, वो संकलित भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में पर्यटन सीजन चल रहा है और कैंची धाम में सबसे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि पार्किंग के बाद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाई, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। देखिए, नैनीताल कैंची धाम में यातायात व्यवस्थाएं पटरी से उतर रही हैं। बड़ी पार्किंग के बाद भी सड़कों से गाड़ियां हटाई नहीं जा सकी, जिसकी वजह से भक्तों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और हाईवे पर जाम लग रहा है। आए दिन पहाड़ों के लिए परेशानी का सबब बन रहे जाम से अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ तक के लोग परेशान हैं और लगने वाले जाम से कारोबारी भी नाराज हैं। जो कैची में हाई ट्रैफिक जो हो जाता है उसका बहुत बड़ा कारण यहाँ पर को लगने वाली गाड़ियाँ और उसके अलावा जो ये हमारे यहाँ पर को रेड़ी पटरी वाले बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। नुकसान सर सबसे ज्यादा तो पर्यटकों का ही हो रहा है, क्योंकि उनके पास चलने की जगह नहीं है। दरअसल पिछले एक साल में कैंची धाम में 3 पार्किंग बनाई गई है, इसके बावजूद सड़कों पर ही कई पर्यटक गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं।
हालांकि जाम की झाम से बचाने के लिए वाया रामगढ़ कर्राव से गाड़ियों को हल्द्वानी और अल्मोड़ा के लिए भेजा जा रहा है, बावजूद इसके कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है। नो पार्किंग जोन के अंदर वाहन को खड़ा करने से गंभीर जाम की समस्या उत्पन्न होती है किसी भी सड़क पर, तो वहां प्रवर्तन कार्रवाई के लिए जो दल लगाए गए हैं उन दलों की जिम्मेदारी भी तय करी जाएगी। और प्रवर्तन की जो कार्रवाई दैनिक आधार पर परिवहन विभाग और पुलिस करती है वो रिपोर्ट भी मैं डेली दोनों विभागों से ले रही हूँ। बहरहाल अभी से हालात खराब है तो आने वाले दिनों में टूरिस्ट की भीड़ और ज्यादा पहाड़ पहुँचने की उम्मीद है। ऐसे में अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती हैं। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के चलते चकराता के देववन में सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। देखिए बढ़ती गर्मी के चलते सैलानियों का आकर्षण चकराता के देववन के प्रति बढ़ता जा रहा है। देहरादून जिले में 2118 मीटर की ऊंचाई पर बसा चकराता एक पर्वतीय पर्यटक स्थल होने के साथ साथ छावनी भी है। इन दिनों सैलानी चकराता के मोहिला टॉप, टाइगर फॉल, मुंडाली, कोटी कनासर के सुंदर बुग्यालों के साथ दूसरे पर्यटक स्थलों का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं और रोड अगर मैं बोलूं तो रोडें बहुत अच्छी हैं। यहाँ जो कंस्ट्रक्ट करी गई हैं तो मतलब घूमने की पर्पस से बेस्ट। यहाँ का व्यू मस्त है, यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है तो थोड़ा एंजॉय कर पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं टाइगर फॉल, हम स्टे लेंगे वहाँ पे आज, कल फिर टाइगर फॉल जाएंगे और वहाँ से थोड़ा सा मौका मिला तो फिर कल सनसेट पॉइंट चिलमिली टॉप होते हुए घर पहुँचे। खूबसूरत फिजाओं के बीच सुकून के कुछ पल के लिए लोग देववन पहुँच रहे हैं, जहाँ ट्रैकिंग और कैंपिंग की व्यवस्था है और नाइट स्टे के लिए होम स्टे भी है। अच्छे से मतलब जो है जो एक सुंदरता जो एक नियंत्रण विभाग की बनी हुई है क्वालिटी के हिसाब से भी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी तो वो बड़ा बड़ा सुंदर है यहाँ का वातावरण। चकराता के पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। वहीं देववन में वन विभाग भी सैलानियों के रुकने की व्यवस्था को लेकर नया प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले सैलानियों को और बेहतर सुविधा मिल सके। न्यूज 18 के लिए चकराता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। दरअसल देहरादून में घनेसाल के जंगल वाले एरिया खलंगा में 2000 से ज्यादा पेड़ काटकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया। अब खलंगा के जंगलों में सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पेड़ काटने का मामला फिलहाल टल गया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ के हस्तक्षेप के बाद सौंग बांध परियोजना के महाप्रबंधक ने पेयजल निर्माण निगम को पत्र भेजकर कहीं और जमीन चिन्हित करने को लिखा है। प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए खलंगा के साल के जंगलों में पेयजल निर्माण निगम ने 5 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की थी। इसके लिए करीब 2000 साल के पेड़ों को काटने के लिए मार्किंग की गई थी। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यावरण प्रेमियों, सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार से चल रहे एक ऐसे कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया जिसका मास्टरमाइंड 26 साल का है, जो शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया, जिसको एसटीएफ ने कई फर्जी मोबाइल सिम, फर्जी बैंक खातों के साथ अरेस्ट किया, जिसने बीते 8 महीने में कई लोगों से 70 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपी कॉल सेंटर से लोगों को क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर ठगा करते थे। महीने से इस तरह का गैंग चल रहा था और लाखों करोड़ों रुपए की इनके द्वारा अभी तक धोखाधड़ी की गई है। कल घटनास्थल से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट की पासबुक्स, POS मशीन बरामद हुई है। साथ ही कुछ रजिस्टर्स भी बरामद हुए हैं जिनमें की लेन देन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। अभी तक की जो विवेचना में जितनी भी चीजें सामने आई हैं, जो बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स आए हैं, उनको ऑल ओवर इंडिया में हम लोग सर्च करा रहे हैं कि कितने क्राइम से ये लोग लिंक्ड हैं।
उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पिछली दो बार से लगातार बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी अंदरूनी तौर पर इस बार कुछ टेंशन में नजर आ रही है। बीजेपी को डर है कि इस बार उनका वोट शेयर थोड़ा गिर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति नया मोड़ ले सकती है। वोटिंग से पहले उत्तराखंड बीजेपी ने इस बार हर सीट को 5 लाख से ज्यादा के अंतर से जीतने के साथ ही 75% वोट शेयर का दावा किया था, लेकिन अब जैसे जैसे नतीजों का दिन नजदीक आ रहा है, खुद बीजेपी का अपने दावे से भरोसा हटता जा रहा है। 2014 में जब बीजेपी उत्तराखंड में 31 विधायकों के साथ विपक्ष में थी तो लोकसभा में 51% वोटों के साथ पाँचों सीटों पर कब्जा जमाया था। तब विधानसभा की 5 सीटों पर बीजेपी पीछे रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर वापसी तो की ही, वोट शेयर भी बढ़ाकर 61% पहुंचाने में कामयाब रही। तब राज्य में बीजेपी के पास 57 विधायक थे। वर्तमान में 47 विधायकों के साथ बीजेपी की सरकार है। इस बार क्या होगा? क्या बीजेपी वास्तव में 75% वोट शेयर ले पाएगी? ये चिंता बीजेपी नेताओं को सताए हुए है। इस बार हमारी उम्मीद है कि हम इस समय 70% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करेंगे, और इसके लिए जो है नीचे की जो फीडबैक हमको प्राप्त हुई है उसके अनुसार हमको ये उम्मीद भी लग रही है और इसकी पूरी संभावना है, और ये पूरी तरह से सिद्ध होगा 4 जून को जब काउंटिंग होगी। बीजेपी का दावा ये भी था कि इस बार वो विधानसभा की 70 की 70 सीटों पर आगे रहेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी की अंदरूनी सियासत में तो असर पड़ेगा ही, साथ ही निकाय चुनाव पर भी इसका सीधा असर पड़ना तय है। आम मतदाता अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग ढंग से पोलिंग करता है, तो लोकल बॉडीज का पोलिंग पैटर्न अलग होगा, इवन वोटर लिस्ट भी अलग है, तो पोलिंग पैटर्न अलग होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर कहीं हमको इसमें खामियां नजर आएंगी तो उनको दूर करने के लिए हमारे पास समय होगा और हम उसको ठीक करके लोकल बॉडीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हर विधायक मंत्री को अपनी विधानसभा में जीत का टारगेट दिया था। पार्टी नेताओं को बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीजेपी में अब चर्चा इस बात की है कि पार्टी भले ही 5 सीटों पर हैट्रिक बना ले, लेकिन वोट शेयर में कमी और विधानसभाओं में पीछे रही तो कईयों पर इसकी गाज गिर सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव हमें दिन रात देश की जनता के लिए काम कर रहा। देश में 70 साल तक लोगों के साथ अन्याय हुआ। वाराणसी पंतनगर को भी हवाई सेवा से जोड़ा गया था। फ्लाई विंग एयरलाइंस की हवाई सेवा कुछ समय तक तो ठीक ठाक चली, लेकिन 1 मई से पंतनगर और देहरादून के लिए उड़ान पूरी तरह से बंद है। पहले तो एयरलाइंस ने जंगलों में धधकती आग को वजह बताते हुए हवाई सेवा पर रोक लगाई थी, लेकिन आग थमने और धुंध छटने के बाद भी प्लेन उड़ान नहीं भर पाया है। हवाई सेवा में लगे ब्रेक की वजह से विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है। सही कह रहे थे, डबल इंजन की सरकार है ये, सिर्फ पिथौरागढ़ की जनता को छलने का काम कर रही है। इन्होंने चुनाव के टाइम पे हेली सेवा शुरू की और ये सिर्फ चुनावी हेली सेवा थी। आज आप देख रहे हैं कि जो सपना यहाँ के लोगों का था उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। प्लेन के बाद कुमाऊं की हेली सर्विस भी इन दिनों बंद हो गई है। असल में मार्च में हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेली सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन मेंटेनेंस को वजह बताते हुए तीनों स्टेशनों की हेली सर्विस को 20 जून तक बंद कर दिया गया है। हेली और प्लेन सर्विस बंद होने से यात्री खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब तो बीजेपी भी मान रही है कि फ्लाई विंग एयरलाइंस लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। जो है कि जो एयर सर्विसेज यहाँ पे काम कर रही हैं, चाहे हेली सर्विसेज हो चाहे एयर सर्विस हो, उनकी भी मुझे कुछ लापरवाही लगती है कि जिससे इस विषय को लेकर के कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी है। इस संबंध में हम बहुत जल्दी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा का उद्घाटन भी हुए 2 महीने हो गए हैं। बावजूद इसके प्लेन कब उड़ेगा कोई बताने की स्थिति में नहीं है। टूरिस्ट सीजन शुरू होने के साथ ही हवाई सेवा का हवा हवाई होना पर्यटन कारोबार पर भी भारी पड़ रहा है।
हवाई सेवा शुरू होने पर जिन लोगों ने सजाए थे वे भी अब टूटते नजर आ रहे हैं। इस टीम के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती के। बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में भी पानी की कमी होने लगी है। ऐसे में पानी की तलाश में ये वन्य जीव आबादी का रुख ना करें, इसके लिए वन महकमा काफी गंभीर है। आबादी की ओर आने से इनके इंसानों के साथ टकराव की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए वन विभाग जंगल में पानी उपलब्ध करा रहा है जिससे वन्य जीवों को जंगल में ही पर्याप्त पानी मिल सके। जिसके लिए विभाग ने यहाँ पर वाटर होल बनाए हुए हैं और चिलचिलाती गर्मी में ये वाटर होल पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनमें वन्य जीवों के जमकर दीदार हो रहे हैं।